दोस्तों, ऐसा जैकेट पहनने वाले दो चाय वाले हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पहले हमारे मोदी जी और दूसरे हमारे प्रफुल भाई। प्रफुल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 200 आउटलेट्स हमारे इंडिया में अभी कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, ठेले से शुरुआत हुई थी, आज आपके बीच आया हूँ और ये नंबर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, फील होता है। और यही कि सबको यही बोलना चाहूंगा कि शुरुआत कर, आज नहीं तो कल आपके भी नंबर जो आप सोच रहे बहुत बड़ा नंबर अचीव होगा। समय लगता है, मेहनत करना पड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रफुल भाई, आपके पास जितना भी डेटा है, जितना भी नॉलेज है, जितनी भी आप बातें करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके बचपन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? यार, बचपन का तो हाथ रहेगा ही, और ऑब्वियसली आप एक जिंदगी चालू करते हो तो बचपन आपका कैसे बीतता है, कैसे परिवेश में होते हो, आपके माँ बाप क्या करते हैं, संघर्षशील रहा है, किस जगह से आते हो, गाँव से आते हो, खेत बाड़ी से आते हो, किसानी खेती से आते हो कि शहर से आते हो। मैं मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहाँ का पास में एक गांव है इंदौर से 70 किलोमीटर दूर लबरा, और वहाँ पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं शिक्षा ग्रहण करी, सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी, बहुत कम पैसों में खर्चा। मैं आजकल मैं देखता हूँ एजुकेशन के बिल, बाप रे बाप, 2-2.5 लाख रुपए आते हैं। तो मैं किसान का बेटा हूँ, शुरू से ही जिज्ञासु रहा हूँ, बहुत सवाल पूछता था। मेरी उम्र के कोई ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे मेरे, मुझसे 5-8 साल उम्र के बड़े लोग होते थे दोस्त, मुझे सीखता था, उनसे सवाल पूछता था, उनके पास आगे से जाता था, ईगो नहीं रखता था, अप्रोच करता था, ये कैसे होता है मंगेश भाई, वो कैसे होता है रवि भाई, ओंकार भाई, आदर्श भाई, चारुल भाई, तो उनसे जवाब मिलते गए। आपके पास सवाल अगर होंगे, पहली बात तो सवाल आना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और सवाल आना और पूछना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और सवाल आके पूछना और उसका जवाब पाना अपने आप में तीन बहुत बड़ी चीज है। ये उन लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि सवाल पूछो। अभी एक इवेंट में भी मैं कल गया था तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में, मैंने पूछा किसी के पास कोई सवाल है, किसी के पास कोई सवाल ही नहीं था। तो कभी कभी दुख भी होता है कि हम लोग सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। तो वहां से बहुत जिज्ञासा जागरूक हुई, बचपन में अच्छे लोग मिले, टीचर मिले, परिवार का साथ बहुत मिला। फिर वही बचपन से मैंने न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, न्यूज चैनल देखता था, मैं 4-4 न्यूज़ चैनल पेपर पढ़ता था घर में, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया उस टाइम आता था, फ्री प्रेस करके आता था। तो उसमें पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, स्पोर्ट्स वाला पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो बहुत सारी जानकारी मिलती थी। तो मैं शुरू से बचपन से मूवियाँ कभी नहीं देखी मैंने, कोई सीरियल नहीं देखा मैंने, तो बस यही ऐसे ही बचपन में। मतलब बचपन में हर एक को इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कि यार मूवी देखना है, उस मूवी का कोई कैरेक्टर है उसको खुद में मतलब इमेजिन करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं, लेकिन आप में आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कभी सोचा नहीं इनके? हम लोग ना मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, तो हमें भी वही कि थोड़ा कुछ करना है जिंदगी में। पापा ने बहुत दुख उठाया, साइकिल से अगरबत्ती बेचते थे, तो कुछ करना है, कुछ करना है। और कुछ करने के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी होती है, एक तो मेहनत करना है, एक और चीज होती है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको ज्ञान हो। यू बिकम वॉट यू अंडरस्टैंड। जो आपको समझ आता है ना वो आप बनते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम की दुनिया समझ आ रही है, यूट्यूब की दुनिया समझ आ रही है, तो यूट्यूबर बन जाओगे। अगर आपको आईपीओ का खेल समझ आता है तो आप आईपीओ वाले बन जाते हो। अगर आपको फंडिंग वंडिंग आती है तो आप फंडिंग बन जाते हो। आपको पॉलिटिक्स समझ आती है तो आप पॉलिटिकल बन जाओगे। तो आपको जो समझ आता है और जो समझने जाते हो आप बन जाते हो। तो आप अगर मूवीज देखोगे तो आपका माइंडसेट मूवीज जैसा थोड़ा होगा, अगर आप सीरियल्स देखोगे तो आपका माइंडसेट अलग अलग कल्चर में होगा। मुझे ऐसा था कि मुझे दुनिया देखनी, कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया काम कैसे करती है, दुनिया को चलाता कौन है और क्यों हम ऐसे हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं, हम भारत पीछे क्यों, भारत आगे क्यों है, तो उसके जवाब आपको इन चीज़ों में मिलते हैं। तो जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में बच्चों में कम उम्र में जिज्ञासा कम हो गई है। उनके गूगल आपको वो बोलते हैं ना कि यू आर वॉट योर सर्चेज ऑन गूगल आर, आप वही हो जो आप सर्च करते हो गूगल पे। तो आज मेरे आज भी वही जिज्ञासा मुझे यहाँ तक लेके और आगे भी लेके जाएगी। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे समझदारी बहुत जल्दी आ गई थी, थोड़ा और स्मार्टनेस भी हो गई थी कभी कभी। तो कभी या तो वो मेरे लिए आपको दुख भी देती है, पर मुझे बहुत ज्यादा बहुत अच्छा समय मिला, मतलब मुझे मेरे लिए फायदेमंद ही रही। प्रफुल भाई, बचपन में हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है या जिसको आप आइडल मानते हो। आपके लाइफ में ऐसा कौन बंदा था और उसको आपने आइडल क्यों माना था? मेरा छोटा भाई विवेक, जो कि को-फाउंडर है एमबीए चाय वाला, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे। मेरा छोटा भाई बचपन से बहुत मेहनत करते हैं। उसने मेरे को पॉकेट मनी दी, जब एमबीए चाय वाला के दिनों में मैं स्ट्रगलिंग में था, वो मेरे को पैसे भेजता था, मेरे को हौसला देता था। तो हम लोग ना हम बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर में, कोई बड़े नेता में, अभिनेता में, एक्टर्स में, एक्टर में, हम अपने आइडियल्स देखते, हम उनको अपना गुरु मानते। पर हमारे आसपास में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो हमें बहुत से कुछ सिखा सकते हैं। उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, विवेक का। और आज भी एमबीए चावला में मैं अकेला नहीं हूँ, लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत यू नो घूमता हूँ, मैं बहुत ज्ञान देता हूँ, बट मेरे पीछे मेरे भाई है, मेरी कंपनी है जो संभालतेटवर्किंग पर्सन ऑफ द कंपनी। तो वो बहुत मोटिवेट करता था, आज भी मोटिवेट करता है, मुझसे 2 साल छोटा है, मैं उसको सिखाता हूँ, वो मुझे सिखाता है। तो मेरा भाई और मेरे परिवार के लोगों ने बहुत मुझे साथ दिया। और भी बहुत सारे लोग, अक्षय जैसा एक दोस्त है, पिनाकिन सर है जो हमारे टीचर हैं, गुरु उन्होंने दिया, दिलीप जायसवाल सर थे उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, धार के कई लोग हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल, बट मेरे ब्रदर का और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में। प्रफुल भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ कमियां हैं, और अगर हाँ तो क्या है वो कमियां, और क्या ऐसी चीज है जो पेरेंट्स को आज ही छोड़नी चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं,
हमें थोड़ा इमोशनल कम होना चाहिए इंडियन पेरेंट्स को. दूसरा, आप किसी वजह से कि आपने सपने पूरे नहीं कर पाए तो वो तो अपने सपनों को अपने बच्चों पे थोपना बंद कीजिए. कहीं किसी वजह से आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, क्योंकि 40 साल पहले सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज थी. आज तो कुछ बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं बन पाए, आप आईएएस नहीं बन पाए, पुलिस में एडमिशन नहीं हो पाया, पुलिस में या कोई बैंक में नौकरी नहीं कर पाए, तो वो आप थोपो मत कि मेरा बेटा करेगा. दूसरा, टेक्नोलॉजी की वजह से देश बहुत आगे चले गया है, दुनिया बहुत पलट गई 360 डिग्री, और कोविड के बाद से तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया. तो आपके 30 साल पुराने 25 साल पुराने ख्यालात आज की तारीख में अप्लाई नहीं होते. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड्स, और अगर आप उनको बोल रहे हो कि ये मत करो ये मत करो, तो आप एटलीस्ट ये तो बताओ कि क्या करें. हमारे बहुत इजी है कि मंगेश तू ये मत कर, ये मत खा, वो मत खा, वहां मत जा, तो क्या करूं मैं? मार्गदर्शन भी तो नहीं दे रहे हो आप. चौथा, आप ज्यादा प्रेशर मत दीजिए अपने बच्चों को. थोड़ा समय लगता है सफलता पाने में. आप सोचो 20-22 में कुछ हो जाए, 25 में कुछ हो जाए, इट टेक्स टाइम. राइट राइट. हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, कम उम्र में चालू कर दिया, तो हमको शायद 24-25 में आज लोग सफल मानते हैं, बट इट टेक्स टाइम. और एक और चीज है कि यू नो, उस आर्टिफिशियल ऑरा में मत रहे कि शर्मा जी के बेटे ने कुछ किया या उसके बेटे ने कुछ किया. सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो. आज एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, डिजिटल डेमोक्रेसी है, इंडिया वर्ल्ड इंडिया इज अ लार्जेस्ट यू नो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल डेमोक्रेसी. इंटरनेट के माध्यम से नए नए लोग जुड़ रहे हैं. अपने बच्चों को आज़ादी दीजिए, घूमने दीजिए उनको, दोस्तों के साथ कम भले वो अकेले घूमे उनको तवज्जो दीजिए, संस्कार दीजिए आप अपने बच्चों को. पेरेंट हैं आप, संस्कार दीजिए. प्रफुल्ल भाई, आपने अपने पेरेंट्स से कभी मतलब ऐसा शर्मा जी के बेटे वाला एग्जाम्पल आपने सुना है या कभी ऐसा ताना सुना है? एक दो बार देते थे, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुरा मान जाएंगे वो मेरे परिवार से बड़े लोग. उसकी नौकरी लग गई थी तो पापा 2-3 बार मेरे को ताने मारते थे कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, तू कुछ कर. मतलब वो लग गई है तू कुछ कर तो नहीं बोलते थे, बोले उसकी लग गई. मुझे पता है कि वो पिंच कर रहे हैं क्योंकि वो सेटल हो गया था, उसकी भी एक 35-40-50 हज़ार की नौकरी लग गई थी. पर मन क्या, नहीं है पापा मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ जिंदगी में, अभी सेटल नहीं हो रहा. राइट राइट राइट. तो प्रफुल्ल भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे क्वेश्चंस करते हैं हमेशा कि मंगेश भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानते इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ. आपको क्या लगता है कि ये कितने हद तक सही है? पहली बात तो ये कि आप अपनी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो. भाई मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था, सिगरेट पीने गांजा फूकने गए थे तो माँ बाप से परमिशन ली थी, कोई लड़की को छेड़ने गए थे तो माँ बाप से पूछा था कि मैं छेड़ के आऊँ. कभी फालतू की हवाबाजी करने गई, नाचने गए थे, नाचने गाने, गाड़ी भू भू करने, तो अच्छे बुरे कामों में अपने माँ बाप से पूछा नहीं, तो अच्छे कामों में भी मत पूछो पहली बात. दूसरी चीज, अगर आप सच में सच्चे हो, अगर आपको सच में काम करना है तो आप माँ बाप से दूरी बना लो, थोड़े दिन 2-4-6 महीने काम तो करो, रिजल्ट तो लाओ. रिजल्ट नहीं भी ला रहे, अपना पाथ तो क्रिएट करो और पैसे कमाओ और पैसे डालो और उनको घुमाओ, उनको उनकी मनपसंद घड़ी दिलाओ, उनको गिफ्ट दो, अपने आप पापा मम्मी लाइन पे आ जाएंगे. चौथी चीज, समय लगता है और माँ बाप को रिस्पेक्ट करो एज ए माँ बाप, पर उनको अपनी जिंदगी में हिस्सेदारी मत दो कि मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसमें आप भी आ जाओ. और एक और चीज़ समझने की जरूरत है, अगर आप कोई चीज़ बड़ी कर रहे हो ना उसमें समय लगा लगता है तो माँ बाप को समझाओ, पापा ऐसे नहीं ऐसे होता है, पापा ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आज नहीं तो कल उनको समझ आएगी. राइट. नहीं तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है. दो बहुत तरीके के माँ बाप होते हैं, उनके अपने अपने व्यक्तित्व होता है, उनका चरित्र अलग होता है, तो जैसा उनका चरित्र है वैसे आप ढालो, पर उनको कंट्रोल मत होने करने दो आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आज की तारीख की ज़िंदगी आपके माँ बाप के ख्याल है उससे चलना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल प्रफुल्ल भाई, आपके एक बात से मैं यहाँ पे 110% अग्री करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ हुई है. जब मैं एक जॉब में था, मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था एंड जॉब वाज गुड, बट मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस में करना था, तो इसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया. उस एक रीज़न की वजह से मेरे पापा ने मेरे से 3 महीना बात नहीं किया था, बट जब मैंने बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो दे फील प्राउड कि बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस करने जाओगे ना तो कभी कन्विंस नहीं होंगे, जब आप उनको रिजल्ट्स दिखाओगे ना उस टाइम पे वो कन्विंस होंगे. रिजल्ट से भी ज्यादा ना पाथ दिखा दो. आप सुबह उठो तो सही, आप दिन भर घर में रहोगे, सोफे पे बैठे रहोगे, नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, तो उनको पता है ये तो आलसी पर है, दो चिल्लाएंगे. आप काम करो ना, आज मैं इतना घूमता हूँ, पापा तो मना नहीं बोलते क्यों घूम रहे, क्योंकि उनको पता है कि घूम रहा है मतलब कुछ कर रहा है. आप खुद निर्दल्य आलसी की तरह घर में बैठे रहोगे, दिन भर मम्मी से पानी की बोतल मांगोगे, पानी पिला दे, चाय पिला दे, खाना पिला दे, आप कुछ घर का काम भी नहीं करोगे, आप बाहर का काम नहीं कर रहे हो, आप घर का भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपको तो माँ बाप समझेंगे कि तो निर्दल्य आलसी हो गया, तो चिल्लाएंगे. और गलत भी नहीं, आप मम्मी पापा के भी हाथ में काम नहीं बटा रहे होंगे ना. एटलीस्ट अगर आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन की, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए. प्रफुल्ल भाई, आपको ऐसा लगता है कि ये जो होता है उसके पीछे का एक मोस्ट रीजन है कि एज गैप है? बिकॉज उनके टाइम पे जैसा एटमॉस्फेयर था, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी, वो अपॉर्चुनिटी शायद से आज नहीं है, फिर उससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आ चुकी है जो अभी उनके सामने नहीं है.
बट उनके बच्चों के सामने है, उनके बच्चों ने उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, जो 100 सालों में नहीं हुआ आज 10 सालों में हो रहा है, right. जो 10 सालों में नहीं हुआ 1 साल में हो रहा है, जो 1 साल में नहीं हुआ 1 दिन में हो रहा है. इनकम लोगों की एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है. right. अब एक ही जनरेशन में अडानी जैसे लोगों को देखो सेकंड नंबर पे पहुंच गया, एक ही हमारे सामने एक ही जनरेशन में चालू किया ना उन्होंने 50 साल पहले. करेक्ट. कितने लोग हैं जो यूनिकॉर्न बना चुके हैं, हमारे जैसे लोग जो 2-3 साल में सोशल मीडिया की मदद से पॉपुलर होकर अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं. मेहनत भी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी आ गई, इफिशियंसी बढ़ गई है, लोग काम करने के लिए रेडी है. कोई एक जगह पे बैठने के लिए आप गाँव में बैठ के भी दुनिया देख सकते हो, दुनिया के लोगों से काम करा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर जूम में है, ऑनलाइन मीटिंग है, ये पॉडकास्ट के माध्यम से ज्ञान ले सकते हो. अब आपके पास वो नहीं है कि मेरा टीचर नहीं है, मेरा स्कूल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपए के मंथ के रिचार्ज में आपको दुनिया भर का ज्ञान फ्री में मिल रहा हो क्या भगवान से मिल रहा है. तो यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज एनीमोर. ये उस समय नहीं था. और आज भी अगर आपके मेरे पिताजी सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें समझ आई है. अगर पेरेंट्स आज भी रिलक्टेंट है नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो पेरेंट्स का दुर्भाग्य है, इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है. और दूसरी चीज, दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है. चाइना, जापान, सिंगापुर को आप देखोगे, उसमें उसी कंपेयर में इंडिया लगभग इंटरनेट में इक्वल आ चुका है. अब वहां पे कोई जानकारी अगर न्यूयॉर्क में आ रही है तो धार में भी आ जाएगी, इंदौर में भी आ जाएगी, पुणे में भी आ जाएगी. अब ऐसा नहीं कि कोई चीज न्यूयॉर्क में रिलीज हो रही है तो आज आपको नहीं दिखेगी. आईफोन 14 मैक्स प्रो अगर रिलीज हुआ है न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, तो आज पुणे में भी मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट. सो द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज वन नाउ. वसुदेव कुटुंबकम हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में बोलते हैं, पर अब एक्चुअल में वो रियलिटी में आ रहा है कि वर्ल्ड इज वन. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम. एंड एक और चीज मैंने बोला हूँ कि आपके माँ बाप किसी कारणवश कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तो वो क्यों इतना जल्दी अपने बच्चों को प्रेशर देते कि तू अभी सक्सेसफुल, आज ही पैसा कमा, आज ही करोड़पति बन. गिव हिम 5 इयर्स, गिव हिम 10 इयर्स. लोग सरकारी नौकरी में 4-4, 5-5 साल वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी सर्टेनिटी नहीं कि उनकी नौकरी लगेगी. 4-5 साल व्यापार में दीजिए तो सर्टेनिटी यू विल सक्सेस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बॉल गेम. एंड दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई सरकार कोई प्रशासन नहीं करता. महंगाई इज अ नेचुरल थिंग, इट विल ग्रो. आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी. प्रफुल्ल भाई, यहाँ पे एक फनी मुझे ऐसा शेयर करना है आपसे, मतलब पूछना है, क्वेश्चन है ये मेरा, कि जो चीजें आज हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे जनरेशन की हो रही है, क्या वही चीजें नेक्स्ट जनरेशन की हमारे साथ भी होगी? दिक्कत होगी. देखो डिस्टेंस बढ़ेगा रिलेशनशिप में, पहले जैसे व्यवहारिकता कम हो जाएगी, मान सम्मान कम होगा. नहीं, मैं मोस्टली एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेगा भाई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, यू नो मशीन लर्निंग आ जाएगी, ये बहुत सारी चीजें आ जाएगी जहाँ पे मैन वैसा भी नहीं, फिजिकल चीजें कम होगी. बट मुझे ऐसा लगता है दुनिया बहुत फास्ट बढ़ रही है. हम आज भी पॉडकास्ट बना रहे हैं. 2004 में फेसबुक बन गया था, यूट्यूब 2008-09 जब भी बन गया था. हम आज पॉडकास्ट बना के खुश हो रहे हैं, मतलब दुनिया हमसे भी बहुत तेज है. Correct. वो कुछ और बनाने में सोच रहे होंगे, मार्स जुपिटर पे जाने की सोच रहे लोग. सो वर्ल्ड इज, मतलब इलॉन मस्क क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ला लेके आ रहे हैं, हाइपरलूप लेके आ रहे हैं, खुद का स्पेसिक्स लॉन्च कर रहे हैं वो लोग, तो दे आर 100 इयर्स अहेड फ्रॉम अस. सो दुनिया बहुत बलट रही है और ये गेम आएगा, जनरेशन गेप भी आएगा, अपॉर्चुनिटी गेप भी आएगा. और ये जो आप बोल रहे हैं आने वाली जनरेशन, हमें तो पता ही नहीं कि मेरी औलाद क्या करेगी, आपकी औलाद क्या करेगी, वो सुनेगी भी कि नहीं हमारी. हमें हमारी शायद औलाद के साथ समय बिताने को भी नहीं मिलेगा. यू डोंट नो. हम बोलते हैं ना, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय. आपको पता ही नहीं आपकी औलाद बहुत अच्छी निकलेगी कि बहुत खराब निकलेगी. इट्स ऑल अबाउट यू ओनली, इट्स नॉट अबाउट आने वाली जनरेशन, इट्स नॉट अबाउट योर यू नो मेरे बच्चे के लिए कुछ कर लूं. यू डोंट नो, यू नेवर नो कि क्या हो जाएगा. आज की टाइम में लाइफ एक्सपेक्टेसी आप 30-32-35 में तो अटैक्स आ रहे हैं, 40 में अटैक्स आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 20-22 में भी आएंगे. डिप्रेशन बढ़ेगा, यू नो लोगों को परेशानी आएगी. जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है वैसा वो सारी चीजें भी हो रही है. समझो मेरे, हर चीज स्पीड में मिल रही है. आज जो कंपनी 10-20 साल में बड़ी बनती थी, आज वो 2 साल में बन रही है. मतलब 2 साल में बन रही है, मतलब आपने अपने आप की स्पीड को 25 गुना बढ़ाया, तो आपकी जो सांसें वो भी कम होगी. आप जो 50 साल में बीमार होने वाले थे वो 25 साल में बीमार होंगे. हर चीज फास्ट हो रही है, तो सिर्फ रिजल्ट फास्ट नहीं हो रहे, आपकी उम्र भी फास्ट बढ़ रही है. जो एवरेज एज पहले 80 थी, 70 थी, 60 थी, आज वो 40, 45, 50 पे जा रही है. वो आगे जाके और कम होगी. जो आप यूथ, इंडिया इज अ यूथ कंट्री, आगे जाके बूढ़ा भी तो होगा. वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट. प्रफुल्ल भाई, आपको क्या लगता है हमारा जो इंडियन यूथ है उनको कौन सी चीज पीछे खींच रही है? यार मुझे ऐसा लगता है, मैं सबका तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जनरलाइज नहीं कर सकता मैं. दूसरा, इतने करोड़ों यूथ है, 140 करोड़ जनता है. मुझे 2-3 चीजें 4 चीजें बहुत दुर्भाग्य स्वरूप लगती है. एक तो उनमें वो अप्रोच नहीं करते किसी को, वो शाये हो गए. कोई रिश्तेदार घर में आता तो भाग जाते हैं, कोई अनजान आदमी तो उससे बात नहीं कर पाते हैं. उनका ग्रुप होता है वहां पे, बहुत डेंगे हाँकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई अननोन आदमी मिल जाता है तो अनकंफर्टेबल आ जाते हैं. दूसरा, उनमें एक थोड़ा सा ईगो इशू आ रहा है मुझे आजकल लगता है कि उनसे अगर बात ना करो आप तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप उनको फॉलो ना करो तो आपको फॉलो नहीं करेंगे. राइट, एक वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही जो इनको दिक्कत आ रही. तीसरा, उनको बहुत हड़बड़ी है.
वो वीडियो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से करोड़पति कैसे बने, पर वो अपना करोड़ कमा नहीं रहे पहला, वो ऐसे माया जाल में कि कोई फटाफट कुछ शॉर्टकट मिल जाए, क्रिप्टो से कैसे करोड़पति बन जाए, कंपनी कैसे दो यूनिकॉर्न बना दे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट का करोड़पति बन सकते हो, पर पहले उसको कमाने के लिए 1 करोड़ जो डालोगे आप करोड़पति बन, वो तो कमाने पड़ेंगे ना, वो स्टॉक मार्केट छोड़ देगा कि लो भाई मैं लोन दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। चौथी चीज मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड यू नो अवॉइड फॉर द शॉर्टकट्स, दे नीड टू चेंज देयर सर्कल्स, they need to literally think about their circle, उनकी उम्र से बड़े लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए उनको, और अच्छे लोगों से सीखना चाहिए, अप्रोच रखनी चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी को ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी सक्सेस में सबसे बड़ा ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म कर्मों को मानता हूँ, क्योंकि आप आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिप्रेस हो, सबसे ज्यादा टेंशन में, आज ही तो आपको शांति चाहिए, आज ही तो आपका मन मस्तिष्क शांत चाहिए, तो वो आपको रिलीजियस वे में आ सकती है। पांचवा, चीजें तो बहुत सारी है पर मुझे ऐसा लगता है लोगों को लॉन्ग टर्म गेम देखना चाहिए, दे शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। कोई पिच बनाए, कोई मैदान बनाए जहाँ से वो आने वाले यू नो 10-12 साल में खेल पाए, पर स्किल्स पे बहुत काम करना चाहिए। कल को आपका ये इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल बंद हो गया तो क्या करोगे, आपके पास ऐसी कोई एक दो स्किल होनी चाहिए जिससे आप कमा सको। लोगों के टिकटॉक यू नो अकाउंट्स मैंने डिलीट होते देखे, वो आज डिप्रेशन में आ गए, उन्होंने सुसाइड भी किया, तो किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और मैं यूथ को बोलूंगा कि आपकी ज़िंदगी कोई और नहीं बना सकता, ना आपके पेरेंट्स बना सकते हैं, ना प्रफुल्ल बना सकता है, ना मंगेश बना सकता है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में आपको ही बनानी पड़ेगी। और आपके जो माँ बाप ने संघर्ष किया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आपको शिक्षा दी, हजारों लाखों रुपये देके आपका फेवरेट जूता दिलाया, आपको मूवी दिखाई, उसका समय आ गया कि आप उनको वापस रिटर्न करो, ज़्यादा याशी में और इसमें समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी आखिरी में जाके। और प्रफुल्ल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक रीज़न सोशल मीडिया भी है, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया को रियलिटी मान रहे हैं आजकल। और उसी को देख के लगता है उन लोगों को कि यार ये बंदा इतना सक्सेसफुल हो गया और मैं इतना नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अपने लाइफ में, बिकॉज उनको उनकी इमेजिनरी लाइफ दिखती है और वहां पे वो खुद की रियल लाइफ देख रहे हैं, और वो जो डिफरेंस है वो खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आ रहा है। हाँ, और देखो इंटरनेट पे लोग, कोई भी आदमी अपनी फेलियर्स को दिखाएगा, कोई भी फटा हुआ जींस थोड़ी दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा। लाइट्स हैं यहाँ पे, कैमरे हैं, इसमें भी फोटोशॉप कर दोगे आप, इसमें 2-3 फिल्टर डाल दोगे तो यूट्यूब पे तो अच्छी दिखूंगा, पर रियलिटी इज डिफरेंट। सेकंड चीज, हमें किसी और की लाइफ से ज्यादा इंप्रेस नहीं होना चाहिए, और ना अपने खुद से डिप्रेस होना चाहिए। आपने मेरे को देख लिया 100 करोड़ का, वो तो आप इंप्रेस हो गए मुझसे, अरे इसकी इज्जत करो। मंगेश भाई को 100 करोड़ का देख लिया, इंप्रेस हो गया। कोई और एक्स वाई जेड को आपने 0 देख लिया तो बोले इससे डिप्रेस हो गया, उसको गाली देने, ऐसा नहीं है। आपका व्यवहार हर व्यक्ति के पीछे सेम होना चाहिए। और मैं बोलता हूँ इंटरनेट को एक आपको टूल के रूप में उपयोग करना चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। इंटरनेट इज नॉट द वर्ल्ड, जिंदगी का एक हिस्सा है इंटरनेट, इंटरनेट जिंदगी नहीं है। राइट। तीसरी चीज, बहुत फेकनेस होती है इंटरनेट पे, रियलिटी समझ नहीं आती, इमोशंस नहीं समझ आते, फिजिकल टच समझ नहीं आता, और इंटरनेट इज मेकिंग स्टूपिड मोर स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट। करेक्ट। इसको उपयोग में आता है लेते हैं, वो सदुपयोग करके आगे बढ़ता जाएगा, जिसको नहीं आता है वो और बेवकूफ का बेवकूफ बना रहेगा 100%। और इसके बयाब भी, आपको फिजिकल फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अच्छे लोग अपने साथ रखने चाहिए, एक मेंटर रखना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, माँ बाप के साथ बैठना चाहिए, घूमना चाहिए, वो आपको और जिंदगी के फलसफे बताएंगे। प्रफुल्ल भाई, जब भी मैं आपको देखता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आप ये जैकेट क्यों पहनते हो ऐसा, उसके पीछे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो रीजन है, व्हाट इज दैट रीजन? कोई रीजन नहीं भाई, क्या है, मैं वो इतना अच्छा स्मार्ट दिखता नहीं, मेरी हाइट ठीक है, तो मैंने वो टी शर्ट को खींचने की आदत है मेरी ऐसी। ओके। तो ऐसे नहीं यूं करके खींचता हूँ, क्योंकि मेरे ये शोल्डर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जिम वाले लोगों के, वैसे ही हल्के से, तो टी शर्ट आती है तो मैं ये पहनना चालू करते, इससे फिटर रखता है मुझे, दिस इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा, मेरा एक इंटरव्यू था रिचा अनिरुद्ध वाला, जिंदगी उसमें पॉपुलर बहुत हुई थी मेरी ड्रेस। राइट। यूथ आइकॉन भी ऐसी ड्रेस पहनता है, तो अच्छी लगती है, लोग गिफ्ट देते तो मैं पहन लेता हूँ। ओके, एक्चुअली लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम कर रहे थे आपके लिए, तभी मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये क्वेश्चन तो एक बार भाई से पूछ लेना, ये क्यों? थैंक यू, ऐसा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है भाई, ध्यान रखना। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो बोला उसको एज अ जोक लेना गाइस। हां नहीं, जोक ही है वो। ऑल राइट, सो प्रफुल्ल भाई, एक दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर अगर आप देना चाहते हो क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन का आंसर दो। आपके लव लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, एक्चुअल में जो अचीव करना रहता है बंदे को, जो लोग 40 के उम्र में या 50 की उम्र में अचीव करते हैं, वो आपने 25 की उम्र में अचीव किया है, तो आई एम श्योर इसके लिए आपने बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज तो किया होगा। सैक्रिफाइसेस बहुत होते हैं, और मैं बोलता हूं हमेशा कि आपके मनपसंद लड़की गर्लफ्रेंड बने, आपको फिट भी रहना है, आपको सोना भी अच्छे से, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको व्यापार भी खड़ा करना है, आपको पैसे कमाने, सारी चीजों पर टिक नहीं होगा। एक दो चीज छूटेगी, सब हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो अपने आप में लव लाइफ करना, अपनी मोहब्बत से प्यार करके शादी करना 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट है।
प्यार करना, डेट करना, संभालना, उसके माँ बाप से बात करना, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, 4 years, एंड इफ यू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट टू योर बिजनेस विल सक्सेसफुली ग्रो. तो वो मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, मेरे मुझे प्यार था एक लड़की से, फिर आगे इवेंचुअली डिडंट वर्क आउट, तो अच्छा लगता है, पर मैं बीइंग वेरी मतलब वेरी मच यू नो बहुत दूर रहा हूँ इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा आज भी मैं दूर ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा यू नो आती ही चीज़ें आगे से, बट आई ट्राई टू बी वेरी हम्बल एंड बाई फोल्डिंग एंड आई से आई डिनाइड द फैक्ट कि बस ओके. आपने अभी एक जस्ट अपने पास्ट के बारे में बात किया, तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ और इलैबोरेट करना चाहोगे? जो आपने बताया कि आपको एक लड़की से प्यार था. नहीं, वो प्यार होता है हर किसी की जिंदगी में, एक लड़की आती है जिससे आपको बहुत मोहब्बत होती है. राइट राइट. तो कोई सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, ऐसा है कि कभी वो मिलती है, वो नहीं मिलती है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है जिंदगी में कि आपको मिल ही जाएगी भाई, आप अच्छे हो वो भी अच्छे, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, भगवान का वो है तो संयोग है, उन्होंने तो नियति डेस्टिनी किया कि नहीं मिलेगी, तो सेक्रीफाइस किया. आज हम दूर हैं, हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, और इट्स मोर लाइक कि भाई तू तेरे रास्ते में मेरा रास्ते, या तो करोड़पति बन जाओ या किसी के पति बन जाओ. पति तो दोनों में, मनपसंद लड़की के पति बन जाओ, करोड़पति बनोगे तो पति इजी बन जाओ, इजीली बन जाओगे. इजी भी नहीं, और यार कभी कभी क्या, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर हो जाती है, और अगर ना होती है तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो, क्या बुरा है? बात तो सही है, करनी है ना. प्रफुल्ल भाई, हमारा इंडियन यूथ जो है, क्या उनको इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? यहाँ पे मैं रामायण और महाभारत की बात कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है उसमें? बहुत ज्यादा करना चाहिए, रामायण महाभारत वेद पुराण सब पढ़ना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए कि ये दुनिया, आज की जो दुनिया देखो ना, बहुत छोटी दुनिया, सनातन धर्म हमारा धर्म बहुत पुराना है, बड़ी बड़ी चीजें करी है, बड़े बड़े काम किए हैं, दृष्टि सृष्टि सब रचेता है. महाकाव्य की बात करें, राम जी का आप देखें, सीता मैया का देखें, सेक्रीफाइस देखें, हनुमान जी का देखें, रावण को जीतना, लंका जीतना, महाभारत में इतने सारे 5 पांडव रहे, भगवान श्री कृष्ण की गीता आप पढ़ोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट यू नो अपने आप में लेसन वहाँ से आपको मिलेगा, आपको जिंदगी पदमत पड़ेगी. आज की तारीख में मैंने रामायण देखी है, पढ़ी है, गीता देखी है, गीता पढ़ी है, महाभारत देखी है, गीता का तो आज भी मेरे बैग में गीता की गीता पुस्तक रहती है, उससे शिक्षा मिलती है. और धर्म कर्म संस्कृति से जुड़ना इसलिए भी होता है कि आपको डाउन टू अर्थ रखना है, ये आपको ईगो नहीं आने देना, क्योंकि जिंदगी में आपकी प्रसिद्धि, आपके फॉलोअर्स, आपका यू नो हवाबाजी, ये टेम्प्रेरी है, समय के साथ खत्म हो जाती है, आप आज सेलिब्रिटी हो कल को कोई और आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको नव चेतना अगर जागृत करनी है, अगर एक जैसा रहना है, साधारण व्यक्तित्व रखना है, तो वो वहीं से आती है. और दूसरी चीज, इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारा इतिहास बहुत प्रबल था, ऐतिहासिक था, इतनी आज़ादी, 200 साल का यू नो अंग्रेजों का हमारे ऊपर प्रहार था, इतना उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किए, उसके बावजूद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस दिए, इनके पास कोई करोड़ों रुपए नहीं थे इनकी जेब में कि हमको आज़ादी दिलाने के लिए गए थे, दे सेक्रीफाइस्ड, हमारी पुरानी जनरेशन ने बहुत सेक्रीफाइस दिया, तब जाके आज हमें सुख शांति से बैठ पा रहे हैं. और ये कब हमें सब रियलाइज होगा? इतिहास आपको सिखाता है कि वर्तमान कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा. और जो व्यक्ति इतिहास नहीं समझ सकता, ना वो वर्तमान समझ सकता है, ना भविष्य समझ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. और आपको लेसन्स मिलते हैं लोगों की, मैं जीवन परिचय पढ़ता हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को अपना भगवान गुरु मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस दिए, शिकागो में जाके वो भाई और बहनों बोलते हैं और धर्म की जागरण करते हैं, ये किसने बात सीखा? किसी ने नहीं बात सीखा. और आज की तारीख के आप जिनको यूथ आइकन मानते हो, आज की तारीख में जिन लोगों के आप सेल्फी वेल्फी खींचते हो, उनके सामने उनका कर्म कुछ भी नहीं है. तो हम गलत आइडियल्स को हमारा आदर्श मान रहे हैं, गलत लोगों को हम लोग आदर्श मान रहे हैं. तो प्रफुल्ल भाई, हमने अब तक बहुत सारी बातें कर ली, इंडियन यूथ के बारे में बात कर ली और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, बट अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के फ्यूचर के बारे में, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया का जो हमारा यूथ है वही इंडिया का फ्यूचर है. तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी रिसेंटली हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, 5th largest इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 3 trillion प्लस इकोनॉमी हमारा हो गया GDP, ये 5 trillion पहुंचेगा 2025-26 तक. हम लोग तीसरे या चौथे नंबर या दूसरे नंबर पे, तो मुश्किल है, 10 साल का एक डगर है, अभी जाना चाहिए. हम लोग स्टार्टअप में देखो तो 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले 4 से 5 सालों में ओनली. हर घर स्टार्टअप, हर हर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप की बात मैं करता हूँ. हम गवर्नमेंट बड़ी प्रोग्रेसिव है, हर व्यक्ति के लिए काम है इंटरनेट के माध्यम से. आपके पास एक्सक्यूज नहीं कि ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ. आप यूट्यूब पे वीडियो डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको जैसा बिजनेस करना है, जो चालू करना है, सर्विस चालू करना है, पता चल जाएगा. फिर उससे भी ज़्यादा अभी लास्ट मंथ में, पिछले 7 महीने में दुनिया को हम लोग ये दिखा पा रहे कि इंडिया अब
प्रोसेस ओरिएंटेड कंट्री बन रहा है, यहाँ जुगाड़ू हम लोग बोलते हैं हमारा देश जुगाड़ू है, उसको छोड़ के हम प्रोसेस ओरिएंटेड बन गए। सबसे ज्यादा का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ, 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन सिर्फ जून महीने में हुआ, और पिछले 7 महीने से हम लोग लगातार 1,30,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्यार मिल रहा है, कभी नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं होती थी इस देश में, आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ पूरे लोग एक राग में ये बोल रहे हैं कि हम भारत के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने साथ में लोगों को साथ कॉम्पिटिशन न करते हुए कॉलेब्रेशन की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में ईगो जैसी चीज खत्म हो रही है, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आज इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं आप और मेरे जैसे लोगों को उनकी मूवीज प्रमोट करने के लिए, कभी भारत में नहीं हुआ। छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, गाँव किसान का देहात का बच्चा क्यों नहीं, वो एक वीडियो ऐसे करके बोल सकता है मैं ये हूँ, मेरे को ये समस्या हो रही है, वो वीडियो वायरल हो सकता है, उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी इज टोटली 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हो, किसी को बता सकते हो, कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसके फैक्ट चेक कर सकते हो। ये पहले कभी संभव नहीं हुआ। ये बदलता भारत है और इंडिया विल ग्रो, इंडिया कैन बी द नेक्स्ट यूएस और नेक्स्ट चाइना। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही है, सर्विसेज में हम लोग आगे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत आ रही है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, 100+ यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, इतना सारा बिलियन डॉलर्स का फंडिंग छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे गांव देहात के लोगों को मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, इससे अच्छा कर हो सकता है। और ये बीजोरोपण हो रहा है, ग्रो करना है। आज मेरी जर्नी भी 7-8 साल की है, तब जाके एमबीए वाला बना, आपकी भी 2-5 साल की जर्नी, आप जब जाके आज मंगेश भाई बने, आपका इतना अच्छा ब्यूटीफुल चैनल है, हर व्यक्ति अपनी कोशिश कर रहा है और ये बीजोरोपण का काम है, कल्टिवेशन ऑफ लैंड हो रहा है। एक डेकेड्स के अंदर इसके रिजल्ट परिणाम दिखेंगे। लोग ITR भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, GST फाइल कर रहे हैं, अपने आपको दिखा रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ। फ्लाइट्स के आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, 2025 तक 40 करोड़ लोग एक साल के अंदर ट्रेवल करेंगे फ्लाइट से। रेलवेज को अगर देखो तो रेलवेज पहले कैसा चलता था, आज बुलेट ट्रेन की तरह की आजकल रेलवे हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड देखो, दिल्ली टू देहरादून, दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा है, जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट मिलेगा, बहानेबाजी वाले लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में उसके लिए बहुत अच्छी जगह है जिसकी नीयत साफ है। अगर आपका दृष्टिकोण साफ है, आपकी मेहनत सही है, कर्म में भरोसा रखते हो, तो ये देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। बिल्कुल, आपने बताया कि मतलब 10 साल बाद हमारा एक हम एक अलग लेवल पे होंगे, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना, रिस्क लेना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, दाल रोटी के जब तक दाल रोटी मिल रही तब तक संघर्ष करना चाहिए, ये गाड़ी घोड़ा ये लाइट एक्शन कैमरा एसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का, 10 साल का गोल स्थापित करना चाहिए। टैक्स भरने चाहिए, जमाखोरी कम करनी चाहिए। आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत करो, आटे में नमक के समान बेईमानी चलेगी पर नमक में आटा नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा, अपने साथ लोगों को और साथ में लेके चलो। मैं ग्रो किया, मंगेश को ग्रो करो, मंगेश किसी रमेश को ग्रो करेगा, रमेश किसी सुरेश को ग्रो करेगा, सुरेश किसी नरेश को ग्रो करेगा। दैट्स हाउ वी ग्रो। कॉम्पिटिशन शब्द को हटा के कोलैबोरेशन में आना पड़ेगा। लोग कोई सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उनको तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो, जो पीछे उनको हाथ पकड़ के आगे लेके आओ। जातिगत समीकरणों से बाहर निकलो, धर्मों के समीकरणों से बाहर निकलो। वो नॉर्थ ईस्ट का है, वो ऐसा है तो उसको प्यार मत, ऐसा जरूरी नहीं। कोई साउथ इंडियन उसको ऐसा मत बोलो कि तू साउथ इंडियन है। वी आर वन, इंडिया इज वन, एक भारत की बात करूंगा, एक ही भारत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास जाना शुरू करो, कंपनियों को ग्रो करो, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट लेना चालू करो, एम्प्लॉयज़ को और इज्जत दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, नर्चर करो रिलेशनशिप को, नेटवर्किंग को, रिलेशनशिप को नर्चर करो। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ध्यान रखती हूँ। अभी आपने बात की नेटवर्किंग के बारे में, एंड आई पर्सनली फील कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के वर्ल्ड में। इवन ये बहुत टाइम से, जब से ये दुनिया बनी है तब से नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस है ही, तो नेटवर्किंग के लिए लोगों को क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए या हाउ नेटवर्किंग शुड बी डन? नेटवर्क इज योर नेटवर्क, वॉरेन बफे बोलते थे। और नेटवर्क इसलिए भी होना चाहिए कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपका कोई नेटवर्क का बंदा ऐसे आसानी से दे देता है, जिसमें आप सालों महीने परेशान होते हैं कैसे होगा वो, अरे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसा हो जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज, नेटवर्क से आपको पता चलता है कि मंगेश क्या ग्रो कर रहा है, मंगेश कौन से जूते पहन रहा है, मंगेश कैसे कहाँ हेयर कट करा रहा है, मैं भी ऐसे जूते पहनूंगा, मैं भी ऐसी कंपनी में जाऊंगा, मैं वहाँ नौकरी करूंगा। ये नेटवर्क का फायदा है। तीसरा, आपको नेटवर्किंग अगर बढ़ानी है तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू यू नो एनहेंस योर नेटवर्किंग स्किल। जाओ लोगों को DM करो, उनको अच्छे से रिप्लाई करो, कमेंट करो, फॉलो करो, उनको बोलो चलो मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन रिलेशन बनाओ, फिजिकल। हम आज भी ऑनलाइन हम जुड़े होते हैं, आज फिजिकल मिल रहे पहली बार। दूसरा, इवेंट्स में जाना चालू करो, कॉर्पोरेट्स इवेंट्स होती है सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, ईचआई के माध्यम से, allevents.in के माध्यम से, वहाँ पे बहुत सारी स्टार्टअप इवेंट्स होती है पूरे देश में, यू नो एंटरप्रेन्योरशिप का यू नो एमेग्लेमेशन होता है। नेटवर्किंग के लिए बहुत सारी कंपनीज है जो अपना काम कर रही है, वहाँ जाओ तो सही, मिलो तो सही। और झुंड में कोई 5-6 लोग अननोन में मिले, ट्रेन के डिब्बे में बैठो तो 8 लोग, अगर डिब्बे में तो 8 लोग, आप जब तक जाओ आपके पास एक दूसरे के नंबर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। राइट में बैठे तो 3 लोग जो आपके साथ बैठे, 2 लोग और उनके भी फोन मोबाइल नंबर आप जब लैंड करो तब तक होना चाहिए, उसको फॉलो करो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, वो आपकी जिंदगी देखेगा, आप उसकी जिंदगी देखेगा। लोगों से पूछो तू क्या करता है,
आप बोलो लोगों मैं प्रफुल बिल्लो और एमबीए चावल हूँ, आप बोलो मंगेश मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ये बोलेगा ओंकार की मैं वीडियोग्राफी का काम करता हूँ, फोटो मैं फोटो एडिटिंग करता हूँ, लोगों को बताओ तो सही आप करते क्या हो। कल को मेरे को वीडियोग्राफर की जरूरत पड़ी तो मैं इसको कॉल करूंगा ना, मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। प्रफुल भाई यहाँ पे मुझे एक चीज लगता है कि लोग पूछते ही नहीं है, पूछने से लोग डरते हैं। वही तो और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। यार बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, बिना मांगे माँ भी रोटी नहीं देती। दूसरा आप जाओ तो सही, लोग बहुत अच्छे हैं, जिसको आप बहुत बड़ा इगोइस्टिक समझते हो वो भी बहुत अच्छा है। आपने लोगों से सुना है कि वो तो घमंडी है, तो जाओ तो सही, क्रॉस चेक तो कर, उससे दो मिनट बात तो कर। सब लोग अच्छे हैं भैया, हमने हमारे अंदर ऐसे assumptions, ये देश assumptions पे चलता है। मुझे ऐसा लगा कि तू वो ऐसा होगा, अरे तुझे कैसे लग गया, कोई सपना है क्या? मुझे लगा मंगेश तू बहुत बेकार आदमी, कैसे लग गया? मुझे लगा मंगेश तू बहुत egoistic, अरे भाई तू पूछ तो से मंगेश से तो बात कर। जो आपको लगता है ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे भाव नहीं दोगे, मुझे लगा तुम मुझे बात नहीं करोगे, मुझे लगा तुम अपना नंबर नहीं दोगे, मुझे लगा तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अरे भाई पूछ तो से। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी उसका नाम है आस्क, ASK, आस्क, पूछो आस्क। मैंने अपने एमबीए किया आस्क यूनिवर्सिटी से, पूछ के कर भला तो हो भला। तो बेफिक्र होके पूछो गाइस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा लोग आपको मना करेंगे, बट कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको आंसर देगा। से पूछो पांच हाँ करेंगे, हजार से पूछो एक हाँ करेगा, नंबर ही तो है, ट्रायल एंड एरर। प्रफुल भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने मेरा कंपनी विलस्टार मीडिया स्टार्ट किया था, हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करते हैं, तो हमने अराउंड पहले 200 से 250 ब्रांड्स को अप्रोच किया था, उसमें से एक भी ब्रांड ने हमको हाँ नहीं किया। बट वहां पे हम लोग को पता चला कि हम लोग को ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करना है, गलत तरीका होगा, सही किया होगा ना। तो उन 250 वेज मतलब 250 लोगों को हम लोग ने अप्रोच किया, तब हम लोग को पता चला कि सही तरीका क्या है, उसके बाद क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे ही सबका होता है, सब रिजेक्शन फेलियर होते हैं, और तुम कोई भगवान हो गए, तुम पहली बार ही जाओगे बात हो जाएगी। बिल्कुल करो, अपनी मेहनत करो, संघर्ष करो, बिना तप तपस्या के कोई चीज अगर मिल जाती तो बहुत जल्दी चली भी जाती है, ध्यान रखना। राइट। तो गाइज बेफिक्र होके पूछो। प्रफुल भाई आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस प्रोग्रेस में कौन सी ऐसी चीज है जो ऑब्स्टेकल बन सकती है, जो रोड़ा बन सकती है? एक्सेप्टनेस, ये कैसे हो सकता है? अडानी इतना अमीर कैसे हो गया? एमबीए चाले ने ऐसा क्या कर दिया? मंगेश ने ऐसा क्या कर लिया? लोगों को हजम नहीं हो रही चीजें, 24/7 x 365 x how did they do it? अरे लेट्स डू इट, एक वो चीज। दूसरा रोड़ा आकेगा कि अगर आप आज रिस्क नहीं लोगे, अगर आप काम नहीं करोगे। यूथ है, ये बुढ़ा भी होगा यूथ। आप बोलते हो इंडिया इज अ यूथ कंट्री, 25 साल बाद बुढ़ा भी तो होगा ही, जापान बन जाएंगे ना। तो वो अप्रोच है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, सरकार के भरोसे बैठोगे, कोई सरकारी नौकरी के भरोसे बैठोगे, आपकी जिंदगी का अगर रिमोट कंट्रोल किसी और के आदमी के मंगेश मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, मेरे को पार्टनर मिलेगा तो ही काम करूंगा, वो पैसा देगा तो ही काम करूंगा, वो लड़की मेरे साथ शादी करेगी तो ही मैं कुछ करूंगा, तो गलत है। जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, परिस्थिति में, कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, काले हो, पीले हो, माँ बाप नहीं मान रहे, माँ बाप मान रहे, गाँव के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देर इज नो परफेक्ट टाइम प्लेस इन यू नो मनी, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। स्टार्ट वेर आर यू, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में चालू करो। प्रफुल भाई हमारे रूरल एरिया में, हमारे गांव के एरिया में बहुत सारा ऐसा यूथ है जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और करने का इच्छा भी है, बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, या फिर उनको लगता है कि यार मैं अगर मुंबई में जाऊँगा या दिल्ली में जाऊँगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। आपको क्या लगता है? अगर आपको ऐसे सच्चाई है, बड़े शहरों का बहुत फायदा होता है, आप जाओ 2-5-10 दिन रहो, वापस आ जाओ, 2-5 दिन जाओ, हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपको लगा 2-3 साल रह गया, फिर अपने आसपास के गांव शहर में चले जाओ, कोई बड़ा शहर है आपके पास में, इंदौर है, भोपाल, ग्वालियर है, कोटा है, जयपुर है, उधर हल्द्वानी है, वहां जाओ थोड़े दिन, वापस गांव चले जाओ, इंटरनेट पे काम करो, वापस सीखने चले जाओ। आपके पास वर्ल्ड, दुनिया आपके गांव में नहीं आई, पर दुनिया के लोग गांव के लोग दुनिया के पास तो जा सकते हैं ना। राइट। और वैसे काम ढूंढो जहाँ पे शायद आपको शहरों का ज्यादा फायदा ना हो, मतलब इम्पैक्ट ना हो आपके धंधे में, प्रभाव ना पड़े, ऐसे कोई धंधे चुनो। पर ये चीज है कि गांव में अवसर कम है आज की तारीख में। बिकॉज मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है कि अगर कोई गांव का बंदा सिटी में आता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ के एटमॉस्फेयर से या फिर यहाँ के लोगों को देखकर, उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, उनके नॉलेज को देखकर वो थोड़ा कहीं ना कहीं पे डिमोटिवेट हो जाता है, और उसी को वो डिमोटिवेशन लेके होता है। हम भी होते थे, हम भी गाँव के थे, हमें भी नहीं पता था होटल कैसे बुक होते हैं, हमें भी नहीं पता बोर्डिंग पास कैसे बनता है, हमें भी नहीं पता स्टारबक्स में ऑर्डर कैसे होता है। सीखा और आगे बढ़े। आप जिन लोगों को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे देखा, कोई सुंदर लड़की से बात करो तो पता चलता है कि सिर्फ दिखने में सुंदर है, बातों में तो किसी काम की नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं शहरों के भी, जो दिखने में शानो शौकत दिखती, पर उनसे जब बात करोगे ना लेंथ पे 2-3-4 मिनट, तो आपको लगेगा किसी ओके नॉर्मल है। तो गांव के लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत, आप घबराओ मत। और सफलता का पहला नियम ही है कि सफलता मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो पहला कदम है, वो पहला कदम कर लो। वेल बिगन इज हाफ डन,
यार घबराओ मत, आर्टिफिशियली गुब्बारे शहरों में भी हैं, जिसने काम किया मेहनत कर रहे उनको रिस्पेक्ट करो, बाकी बहुत सारे तो हवा में ही है, तो ज्यादा घबराओ मत। इन शॉर्ट आओ और भिड़ जाओ, अपने आप को छोटा मत समझो यार, अपने आप को छोटा समझो मत, तुम भगवान हो, तुम बाप हो, तुम महापुरुष हो, वो व्यक्ति वही सर्वश्रेष्ठ है जिसने अपने आपके अंदर आत्मविश्वास रखा। हमारे पास भी आत्मविश्वास ही, आज भी आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं, कोई करोड़ अरबों रुपए नहीं थे हमारे जेब में, हमने धंधा निकालने चालू कर दिया। राइट, और काम करोगे, ज्ञान लोगे, किताबें पढ़ोगे, समझ आएगी जिंदगी अपने आप, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। राइट प्रफुल भाई, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जितना फेम मिलता है बंदे को उतना नेगेटिविटी भी लाइफ में आता है, जितना पॉजिटिविटी है थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी है, अच्छे लोग हैं तो थोड़े बहुत बुरे लोग भी हैं। आपकी लाइफ में भी ये होता है कि जितने लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, करोड़ों लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे रोलिंग रोस्टिंग वगैरह के वीडियोज देखे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार मेरी तो शुरुआत ही मजाक से हुई थी, चाय का ठेला चालू किया था एमबीए ड्रॉप आउट करके, तो रिश्तेदारों दोस्तों पहले ही मजाक उड़ाया, जिसने चालू ही मजाक मेरे, जिसका मजाक ही बचपन से उड़ा उसको क्या दिक्कत, पहली बात। दूसरी चीज ये देखो, विथ फेम विथ यू नो ये आती है, रोलिंग टोस्टिंग आती है, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे बारे में कोई गलत बात कर रहा है। अप्रिसिएशन से खुश मत हो और बेकार कमेंट से दुखी मत हो, आप कमेंट पे ध्यान ही मत दो, कोई आपको तारीफ कर रहा तो आप खुश हो गए, कोई ने बुराई करी तो आप दुखी हो गए, मतलब आप तो टीवी हो गए, रिमोट कंट्रोल किसी और का है हाथ में आपकी जिंदगी का, कि चल मंगेश गाली देता हूँ ए पागल, तो आप दुखी हो गए, मैंने बोला अरे मंगेश तू खाद वो भगवान है तो आप खुश हो गए, ये कौन सी बात। आप ज्यादा ध्यान में दो लोगों को, लोगों के सब्जेक्ट सेम है बुराई करना, उनके ऑब्जेक्ट बदलते हैं, आज मुकेश की, आज प्रफुल की बुराई कर रहे हैं, कल मंगेश की बुराई करेंगे, परसों आदर्श की बुराई करेंगे, लोगों के सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट क्या है, बुराई करना, ट्रोलिंग करना, रोस्टिंग करना, उनके ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। मेरे इसमें भी गाली आती है मेरे कमेंट्स में, ये ज्ञानी है, ये है, ये है, दल्ला है, ये बहुत सारी चीजें आती है, मैं उसको जानता नहीं, मैं उससे कभी मिला नहीं, वो रात को 2 बजे उसको मूड, उसने गाली दे दी, मैं अपना क्यों मूड खराब करूं उसके मूड के चक्कर में, एंड हु द हेल आर यू, आप होते को ना मेरी जिंदगी में, मेरे को सवाल पूछने वाले। मैंने बीच में एक कमेंट पढ़ा था, एक दीपक दहिया करके एक बंदा है, उसके YouTube चैनल पे किसी ने कमेंट किया था कि जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग मोटिवेशन देते हैं, वो बंदे ने उसको रिप्लाई किया था कि जो लोग कुछ नहीं करते वो ऐसे कमेंट्स करते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, मोटिवेशनल स्पीकर को एक समय के बाद लोग गाली देना चालू कर देते हैं, उसी मोटिवेशनल स्पीकर से आप इंस्पायर होते हो, क्यों आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो, उसका क्या मतलब, आपको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो गंदा हो गया। ये तो ऐसा होगा कि अपना काम बनता भाड़ में जान, आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे, आने वाली जनरेशन के लिए भी तो वीडियो बनाना है हमको। राइट राइट, आज देश भर को संदीप माहेश्वरी सर ने इतना मोटिवेट किया, उनके भी इसमें हेड कमेंट्स आते हैं, कौन ऐसा बंदा होगा इस देश में जिसने मोटिवेशन नहीं लिया होगा संदीप सर से। आज आप उस बंदे को गाली दे रहे हो, मुझ जैसे बंदे को गाली दे रहे हो, आप जैसे बंदे को गाली दे रहे हो, तो ये आपका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइस जो भी नेगेटिविटी हर किसी के लाइफ में आती है, मेरे को लगता है इससे तो हमको और किक मिलती है कि काम करना है, मेहनत करनी पड़ेगी यार, तो मेहनत करो। जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनको दिखाना है कि बॉस हम कुछ है, और इसीलिए नहीं है, मंगेश भाई भी बोल रहा हूँ, किसी को आप दिखाने के लिए काम मत करो, आप काम करो क्योंकि आपको काम करना है, मैं सच बोल रहा हूँ। और लोग, आप अगर सफल व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं इसका मतलब आप जिंदगी में कभी आप खुद सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे हो, उसकी सफलता की बुराई कर रहे हो, और वही सफलता आपको भी चाहिए। आप मंगेश के 25 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप मंगेश को बुरा नहीं बोल रहे हो, आप उसके 25 लाख फॉलोअर्स को गंदा बोल रहे हो, तो भगवान आपको कभी वो 25 लाख फॉलोअर्स नहीं देगा, वो बोलेगा कि ये तो कल को 25 लाख थे मंगेश को जो दिए थे उसको भी गाली दे रहा था, फिर मैं इसको वापस क्यों दे दूं, हो सकता है इसी के फॉलोअर्स को भी गाली दे रहा। प्रफुल भाई, जो भी हमारा यूथ है जिनमें पोटेंशियल है, जिनको चीजें करनी है, उनको आपका क्या सलाह रहेगा? घर से निकल जाओ, एसी छोड़ दो, सोफा छोड़ दो, नेटफ्लिक्स छोड़ दो, जो भी आपको छोड़ना छोड़ दो, ये आपकी जिंदगी, आपकी तरक्की आपके हाथों में, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, आपको कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं बना सकता, आपको भी पैसे कमाने, आपको भी अपना आईफोन खरीदना, अपनी कार खरीदनी है तो खरीदो, अपने आलसीपन, अपने निकम्मेपन की चादर उस पर मत ओढ़ो। तीसरी चीज, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, आज का एक दो दिन का खेल नहीं है, महीने का खेल नहीं है, लाइफ इज अ मैराथन, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डबल मैराथन, ठीक है? Right. दूसरा, थोड़े स्वार्थी बनो, जो लोग आपको जिंदगी में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद ना करें, उनके साथ एक मिनट भी मत बिताओ। बिल्कुल, जो आपका कंफर्ट यू नो सक करे, जो आपको अशांति फैलाए, जो आपका मूड चेंज कर दे, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत करो, और अपने से समझदार व्यक्तियों से दोस्ती करो। अपनी दिनचर्या पलटो, सोना यू नो वॉक करना सीखो, किताबें पढ़ना सीखो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना सीखो, आदर सम्मान करना सीखो, धर्म से जुड़ो, सत्कर्म से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, और सक्सेसफुल लोगों की कॉपी पेस्ट भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। और ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि कोई फेसबुक ही बनाऊंगा ना टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, चाय का ठेला भी बड़ा बना सकते हो। आप 4 साल इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हो कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, इससे अच्छा कुछ छोटा पकड़ लो, उसको 4 साल काम करो तो बड़ा बन जाएगा।
कोई जादू की छड़ी में काम मत करो कि कोई जादू की छड़ी मिलेगी रातों रात कोई मंगेश आ जाएगा, प्रफुल्ल आ जाएगा, मेरे को कोई ऐसा ज्ञान देगा कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यहाँ पे भी मैं अपने 24 घंटे में से आपको 5 आधा घंटा दे रहा हूँ ना, मैं अपने जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से भी मेरे को फॉलोअर्स मिलेंगे, मेरे को चाय बिकेगी, मेरी फ्रेंचाइज बिकेगी ना, एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट। एंड ट्राई टू यूटिलाइज एवरी सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ, जिसने समय की वैल्यू नहीं करी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि यार लोग प्रफुल्ल भाई को इतना फॉलो क्यों करते थे। फ्रैंकली ये क्वेश्चन आज तक मेरे दिमाग में भी था, लेकिन जब आप प्रफुल्ल भाई से मिलोगे ना तो आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि इस बंदे को इतना, पूरा इंडिया इनको क्यों फॉलो कर रहा है। सो प्रफुल्ल भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट, लाइक एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। एंड भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इनका परिवार बढ़ाओ, 10 मिलियन फॉलोअर्स करो। ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो इस देश में क्रांति लेके आ रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को फेमस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और भाई भाई के चैनल का लिंक वगैरह सब मैं नीचे ऐड कर दूंगा, भाई को भी जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।